क्वांटिटीज आपकी, मैंने बोला था दो तरह की हो जाती हैं आपकी, एक हो जाती है हमारी कॉन्स्टेंट्स, एक हो जाती है हमारी कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं आपके, कौन कौन से? एक होते हैं आपके परमानेंट कॉन्स्टेंट्स, परमानेंट कॉन्स्टेंट्स, या जिनको हम लोग यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, समय के साथ कभी नहीं बदलती। एक होते हैं हमारे क्या होते हैं, टेम्परेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, अगले क्वेश्चन में जाके क्या हो सकते हैं, वो आपके बदल सकते हैं। ऐसे गाड़ी की स्पीड, किसी क्वेश्चन में गाड़ी की स्पीड मान लो 5 दे रखी है, अगले क्वेश्चन में गाड़ी की स्पीड 10 दे रखी है, ठीक है। दूसरी क्वांटिटीज हमारी क्या हो जाती है, वेरिएबल क्वांटिटीज हो जाती है। वेरिएबल क्वांटिटीज हमारी क्या हो जाती है आपकी, ये भी जो क्या होती है, बदलती है। वेरिएबल मतलब जो बदल सके, वेरिएबल मतलब जो बदल सके। और बताया वेरिएबल में भी दो तरह के वेरिएबल आपको हो जाते हैं, कौन कौन से भाई साहब? एक होते हैं हमारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रूप में एक होते हैं हमारे भाई साहब के इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं आपके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, किसी भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं आपके, ठीक है, एकदम आजाद टाइप के होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं हमारे आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट पे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देख के दिखाया किसका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का मैंने एग्जाम्पल दिखाया आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का मैंने एग्जाम्पल दिखाया। तो अगर समय बदलेगा तो हमने किसी बोला किसी क्वेश्चन में मान लो कि स्पीड कॉन्स्टेंट दे रखी है, स्पीड क्या दे रखी है, कॉन्स्टेंट दे रखी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि समय के साथ क्या होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल बदलेगा। समय के साथ आपका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा आपका, बदलेगा। तो जो है डिस्टेंस ट्रेवल एक तरह से क्या है, टाइम पर डिपेंडेंट है, तो बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इज रिलेटेड टू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बार बार इतना कौन लिखेगा, उसको सिंपली हम लिखते हैं डिस्टेंस इज अ क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इज अ फंक्शन ऑफ, डिस्टेंस ट्रेवल इज अ डिस्टेंस ट्रेवल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, गाइस, ठीक है ना, इस तरह से इसको हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, मैंने क्या क्या बोला आपका, कि जो यहाँ पे टी है, एफ मतलब फंक्शन, मतलब रिलेशन है डिपेंडेंसी है, एफ हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं, एफ हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं, बोल सकते हैं रिलेशन में है, या हम बोल सकते हैं कि डिपेंडेंसी है। तो टी हमारा क्या हो गया था, हमने बोला था आपका कि टी को हम लोग बोलते हैं, टी को हम लोग बोलते हैं आपका, टी को हम लोग बोलते हैं आपका हमारा इनपुट वेरिएबल है। टी हमारा क्या भाई साहब आपका, टी हमारा आपका इनपुट वेरिएबल है, और इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये बोलते हैं, ओके। और एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस को हम लोग आपका आउटपुट वेरिएबल बोलते हैं, एस को हम लोग आपका आउटपुट वेरिएबल बोलते हैं, इसको हम लोग डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। गाइस सब लोग नजर रखिएगा, कोई बच्चा बदतमीजी करता है उसका नाम आपको चेक करना है, ठीक है। कुछ एक आध एलिमेंट मुझे लग रहा भी है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी है क्लास में, नजर रखिएगा, विल किक देम आउट, ओके। ठीक भाई, आउटपुट वेरिएबल हो गया हमारा, इनपुट वेरिएबल हो गया हमारा। तो आउटपुट वेरिएबल हमारा क्या होता है, इनपुट वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है। ये इनपुट वेरिएबल हमारा जनरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, आउटपुट वेरिएबल हमारा क्या होता है, इनपुट डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। अब देखो फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। जो मैं फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, फंक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं आपके, जैसे जो हम लोग y बोल x बोल सकते हैं, तो x हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट वेरिएबल हो गया, y हमारा क्या होगा, आउटपुट वेरिएबल हो गया। मैं इसको y भी लिख दे रहा हूँ इनपुट वेरिएबल, मैं कह लूँगा आउटपुट वेरिएबल, वो भी लिख दे रहा हूँ, इनपुट वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही होती, सही है? यस सर, ठीक। अब फंक्शन कैसा हो सकता है, फंक्शन देखिए हमारे क्या है, फंक्शन बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, आपके जो फंक्शन हो सकते हैं, आपके फंक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, आपके फंक्शन हमारे हो सकते हैं, देखो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप लोग जानते हो अच्छे से कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके भाई साहब, नहीं मतलब साइन फंक्शन है, साइन एक्स है कुछ आपका, ठीक है, नहीं जैसे आपको लिखा होगा, जैसे वाई स्कूल क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा है, या वाई स्कूल क्या लिखा है, लिखा है कॉस एक्स लिखा है, या वाई स्कूल क्या लिखा है, वाई स्कूल पर टेन एक्स लिखा है, गाइस वाई स्कूल टेन एक्स लिखा है, कॉट एक्स है, कॉस एक्स है, सेक एक्स है, क्यों ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, नहीं हो गए, अरे हाँ की ना,
बोल नहीं रहे यस सर ठीक सर और क्या हो सकता है आपका जैसे हमारा क्या है कि डॉट 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 और हमारा सकता है वाइज कोलन से हमने कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स आपका हम लोग का कॉस इनवर्स एक्स आपका हम बोले टेन टेन इनवर्स एक्स आपका ये सारे हमारे क्या आपके ये सारे हमारे फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं आपके अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं y इक्वल टू x की पावर n हां बहुत बहुत बढ़िया y इक्वल टू हम बोल सकते हैं आपका हमारा क्या x स्क्वायर है हम बोलते हैं y इक्वल टू x की पावर आपने बोला आपका n है कुछ आपका y इक्वल टू ने बोला कुछ आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है वन अपॉन बोलने कुछ आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर है क्या हम बोल सकते हैं हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन y इक्वल रूट एक्स है हमारा क्यूबिक फंक्शन हमारा y इक्वल एक्स क्यूब है अब बोले हमारा कि कुछ आपका y इक्वल टू हाइपरबोलिक फंक्शन वन अपॉन एक्स है ऐसे क्या हो सकता है ऐसे इनफाइनाइट तरह के फंक्शन हो सकते हैं ऐसे कितने फंक्शन हो सकते हैं इनफाइनाइट फंक्शन हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं जहां पे x अगर चेंज करेगा तो y को चेंज होना पड़ेगा अरे होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा हाँ कि ना गाइस यस सर होना पड़ेगा ठीक है ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं और कैसे फंक्शन होते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक वेरी गुड लॉगरिथमिक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस फॉर्म का होता है आपका y = e पावर x e पावर x होता है आपका फिर आपने बोला कौन सा फंक्शन होता है आपने आपने बोला लॉगरिथमिक फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन है आपका तो इस टाइप के आपको बहुत हजारों तरह के फंक्शन मिलेंगे आपके y = ने बोला कैसा हो गया ln x हो गया भाई साहब ठीक है y = ex है या y = हम बोल सकते हैं क्या हो सकता है ax हो सकता है आपका y = ax हो सकता है ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके अलजेब्रिक फंक्शन है आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके लॉगरिथमिक फंक्शन है ऐसे मतलब अनंत तरह के आपको जो है हाँ मॉडुलस फंक्शन है ठीक है हर स्ट्रेट लाइन है सर्किल है पैराबोला है हाइपरबोला है एलिप्स है हर ये भी सबसे भी सब फंक्शन ही है क्यों ये सब हम देख चुके ना स्ट्रेट लाइन किस तरह की वाइज में थोड़ा सी फॉर्म होती है ये भी तो मतलब एक्सपेरिमेंट है नहीं वाई का तो एक्स चेंज होगा वाई चेंज होगा नहीं होगा तो हर जगह एक्स क्या इनपुट वेरिएबल है वाई आउटपुट वेरिएबल है एक्स इनपुट है वाई आउटपुट है एक्स इनपुट है वाई आउटपुट है एक्स इंडिपेंडेंट है वाई डिपेंडेंट है एक्स इंडिपेंडेंट है वाई डिपेंडेंट है इन सबको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं सबको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया वाई इक्वल टू हमने बोला कैसे आपका आपका पैराबोलिक फंक्शन रूट एक्स हो गया हमने बोला सर्किल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने बोला पावर स्क्वायर सर्किल हो गया एलिप्स आपने बोला आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आपको वन हमारा एलिप्स हो गया हाइपरबोला हम लोग पढ़ चुके हैं वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स या फिर वाई इक्वल टू ने बोला कुछ सी अपॉन एक्स अरे हाँ कि ना गाइस बताओ ठीक है एक्सक्यूज मी सर यस सर मतलब सर ये जो y बराबर एल एन एक्स में सर इसमें log की बेस e होता है ना सर log की बेस e को हम लोग ln x बोलते हैं गुड ln मतलब वही होता है हां log की बेस e को हम ln बोलते हैं या फिर log का लिखा है log की बेस 10 x हम log x बोलते हैं इसको सिंपली आप log x बोल सकते हैं समझ गए अरे हां कि ना यस और नो यस सर log की बेस e है तो ln x होगा log की बेस अगर 10 है तो खाली log log बोल सकते हो e और 10 में क्या डिफरेंस क्या हो जाता है सर log में नहीं अच्छा अभी आप लोगों ने logarithmic फंक्शन पढ़ा नहीं है ना तो डिफरेंस आपको मैथ वाले सर बताएंगे अभी बस इतना जान लो कि हमें कुछ logarithmic फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी होनी होनी चाहिए तो होता क्या है कि हाँ log वैसे तो वो बड़ा टॉपिक है मैं हमें जो फिजिक्स में खाली लॉग पढ़ना है उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लॉग की मालूम होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं मालूम होना चाहिए देखो हमने जो प्रॉपर्टी हमने लॉग की हमने पढ़ी थी तो लॉग की हमने दो तीन चार हमें प्रॉपर्टी में मालूम होनी चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी में मालूम होनी चाहिए बताओ पहली प्रॉपर्टी हमारी आपकी आती क्या था मैंने बताया था ना कि लॉग ऑफ लॉग अगर एक्स वाई लिखा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिंपली आपका लॉग एक्स प्लस आपका लॉग वाई लॉग वाई सही है और अगर आपका लिखा है कुछ आपका log of x upon y लिखा है इसका मतलब क्या है log of log x minus log y log of इसका प्रूफ है प्रूफ करके इसका प्रूफ है लेकिन हमें प्रूफ नहीं जाना भाई हम लोग फिजिक्स पढ़ने बैठे हम लोग मैथ्स पढ़ने नहीं बैठे हैं बस इसका ये log कहां ये log का आपका एक तरह नोट्स की तरह से ले सकते हो आप लोग तो हां सर जिसमें log का बेस नहीं होता उसमें क्या होती है बेस की वैल्यू 1 की 10 नहीं यहाँ पे जैसे लॉग लिखा है यहाँ मतलब बेस अपर 10 है 10 है ना और दो दो बेस बहुत बहुत कॉमन है कौन से 10 और e और खाली जैसे मान लो क्या ln लिखा है ln लिखा है इसका मतलब अपने आप समझ जाओ कौन सा बेस है e e है ठीक है जैसे ln की पावर हमने देखा है कि कुछ आपका x की पावर y लिखा है इसका मतलब क्या है बताओ y ln x y पावर बाहर आ जाएगी y ln x हो जाएगा समझ के बाद
ये जो प्रॉपर्टी है वो 10 और e दोनों के लिए सेम है। हाँ, 10 और e दोनों के, हाँ, ये चाहे 10 हो चाहे e हो, दोनों के लिए प्रॉपर्टी सेम, जो प्रॉपर्टीज हैं ये सेम है। देन y होता है ना। हाँ, तो log टू द बेस 10 अगर हमने जैसे x लिखा है इसका मतलब सिंपली से log x लिख सकते हो, और अगर log टू द बेस e अगर x लिखा है इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हो, इसे ln x लिख सकते हो। प्रॉपर्टी चाहे बेस टू द बेस 10 हो, चाहे टू द बेस e हो, चाहे टू द बेस कुछ और भी हो चलेगा, चाहे बेस कुछ और भी हो। ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है, log of x upon क्या लिखा है, log of y लिखा है, इसका उसको ऐसे लिख सकते हो log x बेस क्या y हो जाता है, y, हाँ, बेस y हो जाता है, समझ गए। तो जरूरी नहीं कि बेस खाली 10 और e चलता है, बेस कुछ भी चल सकता है, बेस 2 भी हो सकता है, बेस 3 भी हो सकता है, बेस 4 भी हो सकता है। खैर हमें बेस 1 हो सकता है। हाँ हाँ, बेस 1 मतलब 1 2 ऐसे कर कोई भी नंबर, नहीं नहीं बेस 1 नहीं हुआ है क्योंकि log 1 0 होता है, log 1 0 होता है। हाँ, तो मैं सर तुम्हें log का ग्राफ ही तुम्हें याद होना चाहिए, log का log 0 क्या होता है सर, log log 0 डिफाइंड नहीं है, log 0 is not defined। मैं अभी ग्राफ दिखाता हूं, ग्राफ से तुम समझ जाओगे कि कौन-कौन से log सर माइनस इनफिनिटी होता है ना सर, किसका log 0, log 0 मतलब भाई अनडिफाइंड बोलो माइनस इनफिनिटी बोलो बात तो वही है ना, क्यों, जैसे जैसे तुमने क्या किया, तुमने x ले लिया भाई, सुन, तुमने x ले लिया, समझ एक मैच जैसे ले लिया, लॉग ग्राफ कैसे हो जाता है, लॉग ग्राफ को जो पेस्ट टाइप से लॉग ग्राफ, ठीक है, ये हमारा क्या है, हम लोग अगर एक्स है, ये एक्सिस हमारी क्या बता रही है, ये वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बता रही है, लॉग एक्स बता रही है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 1,0 हो जाता है, 1,0 हो जाता है, 1 पे लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है, पी 0 हो जाती है, 1 पे चाहे कोई भी बेस हो, चाहे ई हो, चाहे 10 हो, चाहे कुछ हो बेस में, ठीक है, कोई बेस हो तो log 1 0 में संख्या होगी, पी 0 होगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी भी है log की, और log की प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब, अब देखो एक चीज बता दें, अगर x हमारा क्या होगा, खाली पॉजिटिव x के लिए जो है log की वैल्यू डिफाइंड है, x हमेशा क्या होना चाहिए, x should be greater than 0, x is equal to 0 पे log की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, माइनस इन्फिनिटी आ रही नहीं आ रही, चाहे माइनस इन्फिनिटी बोलो चाहे क्या बोलो, चाहे आप इसे अनडिफाइंड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसको, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं उसको, क्या चीज x एक्सिस को कट कर रही है 1,0 पे, 1,0 में 1 है ये, ठीक है, तो खाली x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, मतलब x अगर नेगेटिव होगा तो log उसके लिए डिफाइंड नहीं होता आपका, ये चीज क्लियर है गाइस। और एक चीज और बता दें, जैसे आपसे बोल दें कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी में, चलो ये क्वेश्चन है कुछ आपका इस तरह से, log x to the base x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 कैसे आई जी, कैसे आई इसे लिख सकते हो ना, log of x upon log of x लिख सकते हो ना, log of x upon log of x, बस वेरी गुड, अगर करते हो नहीं करते हो, इस तरह से बोल दिया जाए कि log of e की बेस e की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1 ही होगी सर, 1 ही होगी, e होगी ना, वन, अरे एक्स की बेस एक्स, लॉग ही अपॉन लॉग ही, कट गया ना, वन हो गया ना, ठीक है, लॉग ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी आपकी, लॉग वन की वैल्यू होगी हमसे 0 होगी, ठीक है, लॉग वन की वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी गाइस 0 होगी। तो ये कुछ आपको डाटा रटा होना चाहिए, हम लोग आए हम लोग, तो फंक्शंस हमने क्या बताया आपको कि हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो क्या होनी चाहिए आपकी, मेजरेबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए तभी हम लोग नेचर के लॉस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो क्वांटिटीज को, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल होती है दो तरह की होती है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, कॉन्स्टेंट में दो तरह के, परमानेंट और टेम्पररी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, किसी डिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, किस पर डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी अब हमें जो भी हमें क्या होगा फंक्शन मिलेगा फिजिक्स में, वो इस फॉर्म मिलेगा, y इज इक्वल टू fx फॉर्म मिलेगा, मतलब y x पर डिपेंडेंट है, y x से रिलेटेड है,
क्या वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे बोलते हैं इसको, कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं वाई इज अ क्या फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरह से हम बोल देते हैं इसको। इसका मतलब समझ जाओ कि वाई एक्स पे डिपेंडेंट है या वाई एक्स का फंक्शन है या वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, इस टाइप से बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं गाइस? अरे हाँ कीरा सही है ना? यस सर। अब फंक्शन जो हमें मिलेंगे, फंक्शन हमें देखिए इतने टाइप के फंक्शन हमें मिल सकते हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। सुरेश शर्मा तुमने बहुत पेशेंस दिखाया, जाओ चले गाइस। तो यस सर। तो इतने तरह के हमें फंक्शन मिलेंगे। अब जो है मेन चीज आपकी स्टार्ट होती है क्या, स्टार्ट होती है क्या, हम देखिए जो फंक्शंस हमारे जनरली होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, फंक्शंस जो हमारे होते हैं जनरली किस फॉर्म में होते हैं, हमारे इस फॉर्म से लिखे जाते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखे जाते हैं, यानी एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और वाई हमारा क्या हो गया, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है ना? ठीक भाई सर। तो कैलकुलस हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस कैलकुलस में हमें क्या पढ़ना है, हमें दो चीज पढ़नी है, एक होती हमारी अभी डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होती हमारी अभी कौन सी डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरी होती है हमारी आपकी इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, हाँ इंटीग्रल कैलकुलस। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से और फिर हम लोग जाएंगे किस पे, इंटीग्रल कैलकुलस पे, ठीक है ना? अब बताओ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, dv मतलब डिपेंडेंट, iv मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? तो अगर हमारा क्या होगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से और मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है? डिफरेंशिएशन को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में और भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसे लिखते हैं रेट मेजरर। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं रेट मेजरर, ठीक है ना? रेट मेजरर, ये रेट मेजर करता है। कैसे भाई साहब रेट मेजर करता है आपका? आप देखो होता क्या है, अभी समझते हैं बात को। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है आपका, ठीक। अगर मान लो कि एक्स वन पे वाई की वैल्यू वाई वन थी तो एक्स टू पे वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई टू होगी नहीं होगी, बताओ? अगर एक्स चेंज होगा, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा क्या डिपेंडेंट है? अगर एक्स बदलेगा तो वाई बदलेगा नहीं बदलेगा, वाई डिपेंडेंट है ना एक्स पे, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो एक्स वन पे वाई की वैल्यू वाई वन थी और हम बोल रहे हैं कि वाई वन, एक्स टू पे वाई की वैल्यू वाई टू हो गई। तो अब हम लोग कई बार ऐसा हम लोगों को डेटा की एनालिसिस करनी पड़ती है कि एक्स वन के बदलने से वाई वन बदला तो किस रेट से जो है क्या कहते हैं आपका वाई का बदलना एक्स के बदलने पे किस तरह से डिपेंडेंट है, क्या रेट है इन दोनों का। तो कैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज करो कि जैसे आप लोग जब जो है गाड़ी खरीदने जाते हो, आप जो है स्कूटी खरीदने जाते हो या फिर कार खरीदने जाते हो, बाइक खरीदने जाते हो, तो आप पूछते हो भाई साहब माइलेज क्या है, क्या पूछते हो माइलेज है गाड़ी का, पूछते हो नहीं पूछते हो, बताओ? ठीक है, जिस गाड़ी का माइलेज हम बोलते हैं जितना अच्छा होता है मतलब मार्केट में जो है वो उतनी ज्यादा जो है सक्सेसफुल होती है, अगर हम बात करें कि मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो, ठीक है? तो जैसे हम बोलते हैं कि गाड़ी का दे रखा है कि 60 किलोमीटर दे रखा है कि पर लीटर, पर लीटर तो माइलेज भाई साहब कितना दे रखा है, बोला कि भाई साहब हीरो होंडा की दुकान पे गए, एकदम नई स्प्लेंडर आई है मार्केट में, बोलो भाई साहब क्या है माइलेज है, बोले 60 किलोमीटर पर लीटर, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है बताओ? मतलब ये है कि ऊपर वाला डाटा क्या बता रहा है, ऊपर बता रहा है कि अगर आपकी गाड़ी में अगर जो है एक लीटर तेल जलेगा, कितना एक लीटर हुआ ना, एक लीटर तेल जलेगा तो गाड़ी कितना ट्रेवल कर जाएगी, 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, 60 किलोमीटर करेगी। तो ये चीज बेसिकली क्या है, ये भी एक तरह से कि वॉल्यूम पेट्रोल के वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो हमने एक तरह से वो रेट निकाला, नहीं निकाला कि पेट्रोल का चलना और डिस्टेंस का ट्रेवल होना में क्या रिलेशन है। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस, बताओ? यस सर। यस सर। हां अरे सब नहीं बोल रहे हैं, मनस्वी, अभिनव, मित्रा, सुब्रत, उज्ज्वल, सब लोग बोलेंगे। हम लोग जो है फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में क्या होता है डेली लाइफ में हम लोग होता है ना कि भाई साहब कि पानी के बरसना और फसल का पैदा होना में क्या रिलेशन है, कब बोलते हैं जो वाटर रेनफॉल होती है, रेनफॉल हमने बोला जैसे कहते हैं कि इस बार जो है रेनफॉल जो है 30 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है,
अच्छी बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई तो फसल भी अच्छी पैदा होगी नहीं होगी, तो पानी का बरसना और फसल का पैदा होना भाई साहब इस समय इस बार गेहूं जो है ना, गेहूं जो पैदा हुआ रिकॉर्ड तोड़ गेहूं पैदा हुआ है, तो कितना भाई साहब मिलियन मिलियन मेट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें बारिश अच्छी हो गई। तो कहीं ना कहीं हम लोग बारिश से गिरना और गेहूं के पैदा होने में हम लोग रिलेशन निकालते नहीं निकालते हैं? बोलो बोलो। यस सर। तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? बारिश का होना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बारिश का होना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? बारिश हो ना हो, गेहूं पैदा हो ना हो, बारिश को उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, गेहूं का पैदा होना बारिश पे डिपेंडेंट है कि नहीं है बताओ? गेहूं का पैदा होना बारिश पे डिपेंडेंट है, लेकिन बारिश का होना गेहूं के पैदा होने से इंडिपेंडेंट है, ठीक है? बारिश तो अपने हिसाब से हो रही है भैया, हम तो हो रहे हैं, गेहूं तुम पैदा हो चाहे ना हो, गेहूं का है भैया तुम होगे तभी हम, बारिश तुम होगी तभी हम पैदा होंगे। तो बारिश का होना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, गेहूं का पैदा होना डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कितनी बारिश हुई उसके हिसाब से कितना गेहूं पैदा हुआ, तो हम लोग क्या होता है उसका एक रेट निकालते हैं, ये रेट रेट मेजर। तो उस तरह से क्या फिजिक्स में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इस चीज को क्या करते हैं कि रेट के फॉर्म में हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज कितनी होती है उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरी चीज कितनी हो जाती है, तो उनका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रेट मेजर बोलते हैं। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस बताओ, ठीक है ना, ये चीज हमारा क्या है? हाँ हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि जो है एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, एवरेज हम लोग लिखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे लिखते हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज डिफाइंड एज क्या डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन टू क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ चेंज इन टू क्वांटिटीज प्रोवाइडेड दे आर रिलेटेड। एक चीज को खास बात है, उनमें रिलेशन होना चाहिए, प्रोवाइडेड दे आर रिलेटेड। अब ऐसा ना हो कि तुम ऐसी दो क्वांटिटीज में रिलेशन निकालना चाहते हो, ऐसी दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालना चाहते हो जिनका आपस कोई रिश्ता ही नहीं है। हमने बोला कि इंडिया में जो इस बार गेहूं पैदा हो रहा है, ठीक है, वो इंडिया की बारिश से डिपेंड करेगा कि वो पाकिस्तान में जो बारिश हो इस पर डिपेंड करेगा, बताओ? पाकिस्तान की बारिश से इंडिया की फसल को कोई मतलब है क्या? नो सर, कोई मतलब नहीं है ना। तो इंडिया में जो फसल पैदा हो रही है, इंडिया में जो गेहूं पैदा हो रहा है, वो इंडिया की बारिश डिपेंडेंट है। तो बहुत जरूरी है कि जिन दो क्वांटिटीज का आप रेशियो निकाल रहे हो, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन टू क्वांटिटीज, वो दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या होनी चाहिए, आपस में रिलेटेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे हाँ, कि ना उनमें रिलेशन नहीं होगा तो तुम डिपेंडेंसी कैसे निकालोगे सर? जैसे हमने बोला कि गाड़ी का जो माइलेज है, अब तुम दुकान पे जाओगे, दुकान पे गए और तुमने बोला कि भाई साहब जो स्कूटी आपने जो नई मार्केट में आई है, ठीक है, इस स्कूटी पे जो है इसका माइलेज कितना है, तो उसने बोला भाई साहब कि स्कूटी पे कितने लोग बैठते हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसा तो कभी नहीं जवाब आता ना आपका, बस वो सीधे ये बोलते हैं भाई साहब की जो एवरेज लिया जाता है, दो आदमी बैठते हैं तो गाड़ी स्कूटी का एवरेज कितना होता है, 60 किलोमीटर पर लीटर है। अब स्कूटी भाई साहब क्या तीन लोग बैठेंगे चार लोग बैठेंगे तो एवरेज तो हमारा खराब होगा, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया होता है कि हम लोग एक पैरामीटर को फिक्स कर लेते हैं ना, कि दो आदमी अगर बैठते हैं तब हम बोलते हैं माइलेज कितना होगा, चार आदमी के हिसाब से बात नहीं करते, दो आदमी गाड़ी पे अलाउड कितने होते हैं, दो लोग होते हैं, दो लोग के हिसाब से हमारा ये कितना होता है। तो जो रिलेशन है वो जिन दो क्वांटिटीज हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, जिन दो क्वांटिटीज रिलेशन निकालना चाहते हैं, उनका रेशियो निकालना चाहते हैं, वो उनका आपस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? अगर रिलेशन नहीं है तो कोई मतलब नहीं रेट ऑफ चेंज निकालने का। भैया हम तुम पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो हमारा रेशियो निकालने का फायदा क्या है बताओ? नहीं। तो उसको हम लिखते कैसे हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज हम लिखते कैसे हैं भाई साहब? हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज को लिखते कैसे हैं, दिस थिंग इज रिटन एज कुछ आपका कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हुआ, तो क्या लिखा आपने, डेल्टा वाई लिखा आपने, वाई टू माइनस फाइव, ये डेल्टा होता है, ये साइन किसका होता है, डेल्टा का होता है। डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब क्या होता है फिर चेंज, आप लोग आ रहे हैं गाइस, डेल्टा मतलब होता है चेंज। तो ये हो गया वाई टू माइनस फाइव हो गया, डेल्टा एक्स कितना हो गया हमारा, ये आपका हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स ना, डेल्टा मतलब चेंज। तुम लोग आ रहा नहीं आ रहा गाइस, आप लोग आ रहे ना? यस सर। ठीक है, यस सर। डेल्टा मतलब चेंज, तो वाई में जो चेंज, एक्स के चेंज होने से, एक्स अगर एक्स वन से एक्स टू होता है तो वाई वाई टू से वाई वन होता है, तो दिस इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना? तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज अ रेट मेजर, ठीक है, और कोई चीज नहीं है।
डिफरेंशिएशन नाम थोड़ा सा ऐसा रख दिया गया, लेकिन होता क्या है, रेट मेजर करता है एक चीज के चेंज होने से, दूसरी चीज जो चेंज आया उनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी एक चीज और देख लीजिए, अभी तो यहाँ पे क्या था कि ये क्या था, फाइनाइट चेंज अपॉन फाइनाइट चेंज है, ये हमारा क्या है कि वाई में फाइनाइट चेंज हुआ है तो एक्स में भी फाइनाइट चेंज हुआ है। अब मैं एक बहुत अच्छी चीज पूछने जा रहा हूँ, आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन की है क्या चीज, तो ये डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की है? नहीं, अभी मैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ये तो मैंने एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखा है, अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अभी को देखो, सपोज करो कि आपको जो है स्कूटी आपकी, ये आपको स्कूटी से जो है, नहीं स्कूटी से नहीं, कार से भेजते हैं तुम लोगों को, स्कूटी से खतरा है तुम लोगों को जाने में। तुमने बोला अपने पास कार है भाई साहब, बस कार है, कार से जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, कार से आप जा रहे हैं तो मान लो कि इलाहाबाद से भेजा आपको मैंने, कहा इलाहाबाद से आपको भेजा हमने, दिल्ली भेजा। ठीक है, आप जो है 18 साल के हो गए, गाड़ी चला सकते थे, तो कुछ काम पड़ गया जरूरी, तो आपको दिल्ली जाना पड़ा। मम्मी बहुत परेशान थी, बेटा मेरा जा पाएगा नहीं जा पाएगा अकेले, ऐसे बोलो पापा जा रहे हैं, तो मम्मी और तुम बहुत परेशान थे, पापा दिल्ली पहुंचे नहीं पहुंचे, पापा जो है कहाँ पहुंचे, कानपुर पहुंचे। मम्मी ने फोन लगा दिया पापा को, मम्मी ने समझाया था ज़्यादा तेज गाड़ी मत चलाना, मम्मी ने फोन किया कानपुर में, इलाहाबाद से दिल्ली का डिस्टेंस मोटा मोटा हमने बोला कितना है, 600 किलोमीटर है, कितने डिस्टेंस है ना, क्यों 612 ट्रेन से होता है, 600 मान लेते हैं हम, इलाहाबाद से कानपुर का डिस्टेंस करीब करीब 200 किलोमीटर कुछ आपका है कि नहीं गाइस? Yes, sir. अच्छा, yes, गाड़ी sir. में किसी भी गाड़ी में क्या होते हैं, दो तरह के मीटर होते हैं, कौन कौन से मीटर होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है और ओडोमीटर होता है, और क्या होता है आपका ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है आपकी, स्पीडोमीटर आपकी क्या मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है, क्यों पता है ना, गाड़ी 50 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, 120 पे चल रही है, 100 पे चल रही है, और हमने बोला ओडोमीटर क्या करता है, किलोमीटर रीडिंग लेता है, क्या लेता है, किलोमीटर डिस्टेंस वाला किलोमीटर रीडिंग बताता है कि कितना गाड़ी चल चुकी है। ठीक है, गाड़ी 200, गाड़ी जो है कानपुर पहुंची ही थी, और जो है मम्मी का फोन आ गया, मम्मी ने बोला कि गाड़ी आप कितनी चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड बताओ, पापा गाड़ी का क्या था, स्पीडोमीटर खराब था, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर क्या था, किलोमीटर रीडिंग था, गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या था, खराब था भाई सर, गाड़ी का स्पीडोमीटर खराब था। तो मम्मी का कोई नहीं, तो ओडोमीटर तो है, ओडोमीटर से नाप के बताओ, तो पापा ने कहा अच्छा रुको नाप के रखते हैं। तो पापा ने क्या किया, पापा ने जो है 200 किलोमीटर से लेके 210 किलोमीटर के बीच ओडोमीटर बता रहा है कि भाई 200 से 210 हो गया है, तो बोला टाइम नोट कर लिया, तो उन्होंने बोला कितना टाइम हो गया, तो भाई बोला कि 10 मिनट में गाड़ी 10 किलोमीटर इतना चल ली, तो बोला स्पीड निकालो, तो स्पीड निकाली, तो स्पीड कितनी आ गई, तो उन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्यों स्पीड ही लिखते हो, स्पीड लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान से देखना, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, एक नई चीज़ है एकदम आपके लिए, डिस्टेंस कितना चली गाड़ी, डिस्टेंस 10 किलोमीटर चली है, टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ 10 मिनट, 10 मिनट मतलब कितना हो गया, कितने घंटे, 1/6 आवर, वेरी गुड, 1/6 आवर्स हो गया, नहीं हो गया भाई साहब, तो कितना हो गया, ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया, गाड़ी स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आ गई, वेरी गुड, ठीक है 60 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी। तो मम्मी को बताया भाई कि मेरी गाड़ी जो है 60 किलोमीटर चल रही है, अच्छा अच्छा, पापा ने जो स्पीड निकाली वो इस तरीके से निकाली, एकदम देसी तरीके से स्पीड निकाली। अच्छा, अब क्या हुआ कि पापा ने क्या किया कि डिस्टेंस को थोड़ा सा और कम किया, डिस्टेंस थोड़ा सा और कैसे कम किया, इन्होंने बोला मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि जो 200 से 210 किलोमीटर मैंने लिया है उसमें थोड़ा छोटा कर, अच्छा ये बताओ 200 से 210 के बीच में गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा रही होगी क्या,
दस किलोमीटर डिस्टेंस ठीक ठाक होता है सर, 10 किलोमीटर समझ रहे हो, यहाँ से, यहाँ से हनुमानगंज, हनुमानगंज इधर बनार साइड, या फिर तुम इधर से जाओगे तो करछना, करछना, या फिर तुम इधर से जाओगे तो धूमनगंज के आगे और आगे निकल जाओगे, तो क्या इस पूरे दौरान गाड़ी की स्पीड 60 रही होगी, गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी, बीच में भैंस आ गई, आदमी आ गया, सर रेड लाइट आ गई, कोई साइकिल वाला आ गया, क्यों बोलो बोलो, तो क्या ये स्पीड आपने जो बताई है सही है क्या, वो 10 किलोमीटर के दौरान, इस 10 किलोमीटर दौरान गाड़ी स्पीड 60 ही रही होगी, गाड़ी स्पीड 60 ज्यादा भी होगी कहीं पे, कहीं पे कम भी होगी, बोलो बोलो, यस सर, होगी, एवरेज है ये, एवरेज है, कैसी स्पीड है, एवरेज है। अब एक तरीका और लिखा पापा ने कहा 200 किलोमीटर से हम बोले कि मैंने, उन्होंने बोला कि 201 किलोमीटर कर दिया मैंने, छोटा कर दिया, ये जो दायरा था डिस्टेंस का 1 किलोमीटर कर दिया, और बोला कि ये जो टाइम लगा मुझे 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ये मुझे लग गया भाई साहब, एक किलोमीटर है तो कितना लग गया, बोलो बताओ कितना ले लें, 1 मिनट ले लें, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट ले लें भाई साहब, 2 मिनट ले लें, 1 किलोमीटर 2 मिनट लग गया, तो बताओ यहाँ पे स्पीड कितनी है आपके हिसाब से, 30 किलोमीटर पर आवर, तब बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगी नहीं आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है एक, डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर है, टाइम आपका 2 मिनट है, 2 मिनट मतलब कितना घंटे, 1/30 2 मिनट में 60 से डिवाइड कर दोगे कितने घंटे, क्यों अरे बोल नहीं रहे हो, यस सर, हाँ ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, 60 हमारे क्या होता है, 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, कुछ आपको 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक काम ये किया पापा ने, तो एक एक केस में केस बना रहा हूँ, तुम्हारा केस नंबर क्या हो गया, हमारा केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1 से मैंने स्पीड निकाली, केस नंबर 2 से मैंने स्पीड ऐसे निकाली, केस नंबर 3 बनाते हैं भाई, केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 में हमने क्या किया, पापा ने कहा कि भैया मैं इसको और छोटा करता हूँ, दायरे को 200 किलोमीटर से जो है मैं जो डिस्टेंस नाप रहा हूँ स्पीड निकालने की, मैं उसे कर देता हूँ 100 मीटर, 100 मीटर चलने के लिए जो उन्होंने टाइम मेजर किया अपनी घड़ी से, वो घड़ी में टाइम उनका आया, बोलो 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 0.1 किलोमीटर करने और 2 मिनट किए थे, कितना करते हैं, तो 10 मिनट किए हो, 2 मिनट 10 सेकंड लग गए, कितने सेकंड लग गए, 10 सेकंड लग गए 100 मीटर में, स्पीड निकाली, स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना चला, कितनी गाड़ी चली, गाड़ी 100 मीटर चली गाड़ी, अरे हाँ की ना, गाड़ी 100 मीटर चली है, यस सर, टाइम कितना लगा है, 10 सेकंड लगा है, 10 सेकंड मतलब कितने घंटे है, बोलो 10 सेकंड, इसको मैं बदलता हूँ अभी, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जबकि 10 मीटर पर सेकंड हो गया, नहीं हो गया बताओ, हाँ की ना, अरे 10 मीटर पर सेकंड चला गया आपका, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 18/5 वेरी गुड, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो, बहुत बढ़िया, 36 किलोमीटर पर आ रहा था, 36 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया नहीं आ गया, अरे आ गया नहीं आ गया बताओ, अच्छा यस सर आ गया, पापा ने कहा नहीं और छोटा करते, और छोटा करते, 100 मीटर किए थे, हमने बोला कि उसको जो है 10 मीटर कर दीजिए, 1 मीटर कर देते हैं, 1 मीटर कर देते हैं, चलो 200 किलोमीटर से 1 मीटर, टाइम कितना लग गया बताओ, 10 सेकंड लगा था, 100 गुना कम किया उसको, 100 गुना कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 10^-2 तो बोला कि 0.02 सेकंड लग गया घड़ी से नापा, पापा घड़ी पड़ी वो थी सेंसिटिव घड़ी, इतना छोटा समय नाप सकती है, स्पीड निकालो कितना स्पीड आई, 1 मीटर कौन टाइम कितना लगा, 0.02 सेकंड लगा, अरे लगा नहीं लगा बताओ कितना हो गया, ये बोल नहीं रहे, 50 मीटर पर सेकंड हो गया, नहीं ये तो बहुत ज्यादा जा जाएगी सर, बहुत ज्यादा जा रही है, हाँ सर इनटू 18/5 करेंगे तो 180 किलोमीटर पर आ रहा जाएगा, अच्छा तो उसको पॉइंट थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 0.2 ले लीजिए सर, 0.05 ले लो, 0.2 ले लीजिए, 0.5 ले लिए, कोई दिक्कत है क्या बताओ, पापा फास्ट नहीं कर सकते गाड़ी, क्या पापा को मौका मिला पापा ने एकदम जो है एकदम दबा दिया एक्सीलेटर, लो कितना आ रहा है बताओ, 72 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पापा ने एकदम
20 मीटर पर सेकंड है इनटू 18 बाय 5 मीटर बाइक कर दिया 1872 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई पर वो ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट लास्ट केस हम देते हैं, पापा ने कहा नहीं और छोटा करो इसको, ने बोल दिया कि इसको हम कर देते हैं 1 mm कर देते हैं भाई साहब, इसको हम 1 mm कर देते हैं, छोटी ही होगी और छोटा कर दिया। समय कितना लगा हमने बोला कि बहुत छोटा समय लग गया 10⁻⁶ सेकंड लग गया कुछ, अभी मुझे मालूम नहीं है एक मीटर में 1000 होता है ना, 1000 गुना छोटा किया है तो कर सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं डेटा थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, -5 कर लेते हैं ठीक है। थोड़ा स्पीड कितनी आ गई 1 mm, 1 mm मतलब कितना 10⁻³ मीटर ना, क्यों यस सर टाइम कितना लग गया 10⁻⁵ सेकंड लग गया नहीं लग गया, लो स्पीड कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकंड आ गई नहीं आ गई, इनटू अपने 18/5 कर दिया यस सर नहीं है अभिनव सिंह म्यूट करो अपने आपको अपने सिंह यस ठीक है। तो मैंने टाइम थोड़ा छोटा किया, टाइम मैंने थोड़ा छोटा किया वैसे फिर 10⁻⁵ जाए क्या करता हूँ उसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ 10⁻⁴ ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा 10⁻² सही है ना 10⁻⁴ सही है यस सर 10⁻⁴ सही है तो 2 × 10⁻⁴ ले लिया मैंने 2 × 10⁻⁴ ले लिया इरेजर है ये ले लिया मैंने इसको हटाया और ये मैंने कर दिया कितना 10⁻⁴ कर दिया 36 किलोमीटर पर ये कितना आ जाएगा 18 आ रहा है ठीक है कोई बात है कोई बात नहीं 18 आएगा सर 18 सर 36 आएगा 10 10 बाय 2 तो 10 10 10 कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आ गया नहीं आ गया भाई सर 18 किलोमीटर पर। अब बताओ मम्मी ने पूछा था जब गाड़ी एकदम एग्जैक्टली 200 किलोमीटर पे पहुंची थी तभी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने पूछा गाड़ी की स्पीड कितनी है, पापा ने गाड़ी की स्पीड निकालने के लिए 5 तरीके अपनाए, केस 1 से उन्होंने स्पीड निकाली, केस 2 से उन्होंने स्पीड निकाली ये आई, केस 3 से उन्होंने स्पीड निकाली थी ये आई, केस 4 से उन्होंने स्पीड निकाली ये आई, केस 5 से स्पीड ये आई, पांचों केस में स्पीड डिफरेंट डिफरेंट आई नहीं है 60 है 30 है 36 है 72 18 है, बता दो कौन सी स्पीड कौन सा स्पीड सबसे एक्यूरेट आंसर होगा पापा का जब मम्मी ने फोन किया कि बताओ गाड़ी की स्पीड कितनी है 1 2 3 4 5 में कौन सा जवाब सबसे एक्यूरेट है आपके हिसाब से गाइस सर 5 सब लोग बोलेंगे मैं तुम लोग सब लोग बोलते नहीं हो नहीं हो 5 रुद्राक्ष हरिराम मनश्री सुब्रत उज्जवल सर 5 5 केस नंबर 5 सर 5 केस नंबर 5 सबसे एक्यूरेट आंसर ही होगा ना, उस समय पूछा है ना हमने जब घड़ी में बोला कि इस समय बताओ स्पीड कितनी है तो बोल रहे भाई कि आपकी स्पीड इस समय जो टाइम था टाइम की उसमें आपकी वैल्यू थी कुछ आपकी कितना घंटा 4 घंटे में पहुंच जाते कानपुर 4 घंटे पे गाड़ी स्पीड कितनी थी 4 घंटे से सबसे एक्यूरेट आंसर हमारा क्या हो जाता है सबसे एक्यूरेट आंसर हमारा क्या होता है 5 तुरंत तुरंत एकदम जो उस समय एकदम जो स्पीड जो बतानी थी वो कौन सी है तुरंत गाड़ी से 1 mm चली तो कुछ टाइम ली तो टाइम ना ली ठीक है ना, इसी को हम लोग ऐसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं इसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं बताएंगे आप लोग कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन सी स्पीड बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है चेंज ही तो है, अभी भी स्पीड निकालो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, अरे होता है नहीं होता है बताओ ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज होते हैं भाई साहब ये भी तो रेट ऑफ चेंज है ना कि टाइम के बदलने पे जो डिस्टेंस में क्या बदलाव आया क्या कर रहे हो बताओ वीगो क्या लिख रहे हो डेल्टा से अपॉन डेल्टा टी रेशियो तो निकाल लो डेल्टा से अपॉन डेल्टा टी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा मतलब चेंज टाइम के बदलने पे डिस्टेंस में क्या बदलाव आया उसी का रेशियो निकाल लो अरे निकाल लो नहीं निकाल लो बताओ ठीक है ठीक है तो जब ये चेंज क्या होता है बड़ा अपॉन बड़ा होता है बड़ा चेंज अपॉन बड़ा चेंज तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज जब यही चेंज क्या होता है छोटा चेंज अपॉन छोटा चेंज तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यही यही
और डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डिफरेंशिएशन हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देती है, इंस्टेंटेनियस एकदम क्षणिक, हिंदी में क्या बोलते हैं क्षणिक, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमें बताता है कौन, डिफरेंशिएशन, एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं बताता है, ये बताता है तो रेट ऑफ चेंज ही है, लेकिन रेट ऑफ चेंज भी दो तरह के होते हैं हमारे, रेट ऑफ चेंज भी हमारे क्या होते हैं दो तरह के होते हैं, यहाँ से हम लोग बोलते हैं क्या रेट ऑफ चेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज हमारे क्या होते हैं दो तरह के होते हैं, कौन कौन से भाई साहब, एक होता है हमारा आपका एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या होता है कि रेशियो ऑफ चेंज इन टू क्वांटिटीज होता है, ठीक है, सिंपली इतने सिंपली क्या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर देते हैं, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में क्या होता है आपका बहुत छोटा अपॉन बहुत छोटा होता है, ठीक है, फाइनाइट अपॉन फाइनाइट, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं और डिनोमिनेटर को बहुत छोटा कर देते हैं, डेल्टा एक्स को हम लोग बहुत ही छोटा कर देते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था उसमें जो डिनोमिनेटर था उसके उसका जो चेंज था उसको हम जब बहुत छोटा कर देते, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो नीचे था टाइम था, देखो टाइम पहले क्या लग रहा था, अरे टाइम जो था डेल्टा टी था वो कितना था आपका, अरे एक बड़ा छः घंटा था ना, कितना था आपका, कितना टाइम लिया था हमने, 10 मिनट लिया था, नहीं लिया था बताओ, फिर मैं टाइम कितना लिया, हमने 2 मिनट लिया नहीं लिया बताओ, टाइम छोटा करते जा रहे नहीं करते जा रहे, डिनोमिनेटर छोटा करते जा रहे नहीं करते जा रहे, फिर हमने 10 सेकंड कर लिया, फिर हमने 0.05 सेकंड किया, मैंने और छोटा कर लिया, अब टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, टाइम छोटा होगा तो डिस्टेंस अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा टाइम पर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है बताओ, हमने बताया था कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा वी इनटू टी लिख रहे हो, टाइम हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और डिस्टेंस ट्रेवल हमारे क्या थे डिपेंडेंट वेरिएबल थे कि नहीं थे बताओ, तो अगर टाइम छोटा होगा यस सर तो डिस्टेंस अपना छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, हाँ कि ना, यस सर, हाँ टाइम छोटा होगा डिस्टेंस ट्रेवल अपने आप छोटा हो जाएगा भाई सर, ठीक है ना, तो एक चीज अब तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोटा कर दोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल भाई साहब अपने आप छोटे हो जाएंगे ना, क्योंकि डिपेंडेंट है इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे कौन आता है, नीचे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, नीचे हमारा कौन आता है, नीचे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोटा कर देते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई डिपेंडेंट था, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग बात कर रहे हैं, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्स हमारे क्या थे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, वाई हमारे क्या थे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने छोटा कर दिया तो डिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप छोटा जाएगा, जब ऐसा हो जाता है इसको हम लोग नए तरीके से लिखते हैं, डीवाई अपॉन डीएक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं डीवाई अपॉन डीएक्स, डीवाई बाय डीएक्स, डीवाई मतलब होता है इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, ठीक है, स्मॉल चेंज इन व्हाट, स्मॉल चेंज इन वाई, इन स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय लिखते हैं dx, क्या है dx का मतलब आपका है infinitely small, small बोलते हैं change in x, infinitely small change in x, अरे तुम आ रहा नहीं आ रहा गाइस, जहां भी d लग जाए, जिसके भी आगे d लग जाए समझ लो कि वो क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी, मानो dt लिखा है, dt मतलब क्या हो गया बताओ, dt मतलब क्या है, t मतलब टाइम, t मतलब टाइम, dt मतलब क्या हो गया बताओ, infinitely इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन क्या, टाइम, टाइम जो चेंज हुआ है बहुत ही छोटा हुआ है किसी भी आगे, मतलब मान लो डीवी लिखा है, डीवी लिखा है इसका मतलब क्या है, डी मतलब वॉल्यूम, डी मतलब हम बोले वॉल्यूम, डीवी मतलब क्या बताओ, बोलो बोलो, डीवी मतलब बोलेंगे सब लोग बोलेंगे गाइज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज वॉल्यूम, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, तो आप लिखोगे इसे छोटा चेंज हो रही है, ठीक है, डेल्टा मतलब क्या है, डेल्टा मतलब क्या है, फाइनाइट चेंज, एक क्या है फाइनाइट चेंज, एक होता है फाइनाइट चेंज, एक होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, ठीक है, फाइनाइट मतलब फाइनाइट है, कोई चीज फाइनाइट है, बड़ी है, ठीक है, फाइनाइट चेंज अपॉन क्या हो जाता है, फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज अपॉन क्या लिख रहा है आप, फाइनाइट चेंज, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, ठीक है, फाइनाइट चेंज इन बोले वाई अपॉन फाइनाइट चेंज इन लिख रहे हैं आपको कुछ अपन एक्स, तुम आ रहा नहीं आ रहा गाइस, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में डिफरेंस
फ्रेंड्स सबको क्लियर एंड क्लियर गाइस वन चौहान ओके सही गाइस टेबल सेट ऑफ चेंज है और अब क्या है इंस्टेंटेनियस सेट ऑफ चेंज कनेक्ट चेंज इन वाई कौन कनेक्ट चेंज इन एक्स इनफिनिटली स्मॉल चेंज इन वाई कौन कौन इनफिनिटली स्मॉल चेंज इन एक्स ये हमारा क्या होता है ये होता है इंस्टेंटेनियस सेट ऑफ चेंज एकदम क्लियर गाइस ना तो differentiation is a process to find the instantaneous rate of change of any function. What is differentiation? Differentiation की आपकी definition है. क्या है differentiation की definition आपकी? Differentiation is a process. Differentiation is a process. Is a process to find the instantaneous rate of change of any function. किसी function का अगर आपको instantaneous rate of change निकालना हो ठीक है ना तो हम क्या करते हैं उसे differentiate करते हैं जैसे यहाँ पे क्या था आपका कि ये चीज क्या है speed क्या है basically speed क्या है ये instantaneous rate of change क्या है instantaneous rate of change और distance traveled respect to change in time है speed आपकी ठीक तो यहाँ पे ये इतना छोटा हो गया इसको मैं क्या ले सकता हूँ उसमें डीएस अपॉन डीटी ले सकता हूँ नहीं सकता हूँ बहुत छोटा हो गया ना डिस्टेंस डॉट एक एमएम बहुत छोटा yes, है ये बहुत छोटा हो गया टाइम टेकन भी बहुत छोटा हो गया इसमें डीटी ले सकता हूँ नहीं सकता हूँ ऐसा डीटी सकता हूँ बहुत छोटा टाइम है 10^4 सेकंड अरे हाँ की ना हाँ की ना गाइस हाँ सर सही है ठीक है ऐसे करते हैं हम लोग ठीक है ठीक है तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं रेट मेजर बोलते हैं ये रेट ऑफ चेंज निकालता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालता है एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं निकालता एवरेज रेट ऑफ चेंज मतलब होता है हमारा फाइनाइट चेंज अपॉन फाइनाइट चेंजेस ठीक है अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं सपोज करिए कि आपको एक केस दे रखा है एक फंक्शन दे रखा है मान लो फंक्शन दे रखा है कुछ आपका क्वेश्चन फॉर्म में जाता हूं मान लो एक फंक्शन मेरे को y = x² दे रखा है अब बोला एट x = 1 पे बताओ y की वैल्यू कितनी है तो आपने बोला 1 है अरे है कि नहीं है बोलो बोला एट x = मैंने बोला 1.001 पे y की वैल्यू कितनी होगी बताओ x = 1.01 पे y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ y = x² है ना क्या लिखो 1.001 का होल स्क्वायर लिखो नहीं लिखोगे बोलो यस सर कितना आएगा 1.000001 मल्टीप्लाई करना मेरे ख्याल से कम आता है कर लोगे ना निकाल लोगे ना क्यों अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि जो चेंज इन एक्स है वो क्या है वो एक्स टू माइनस एक्स वन है कि नहीं एक्स टू माइनस एक्स वन है इस पर एक्स वन कर दिया वाई वन कर दिया इसको एक्स टू कर दिया उसको वाई टू कर दिया एक्स टू माइनस एक्स वन कितना हो गया भाई साहब का बोलो 1.001 चलो आपको जब भी लगेगा कि थोड़ा सा स्पीड फास्ट जा रही तो आप लोग बदम टोक दीजिएगा ठीक है ना तो थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ जैसे इमोशनली हाई हो गया तो 0.002001 ये होगा 1 माइनस ये करती है डिवाइड बाय हमने क्या किया 0.001 करती है
अरे हाँ की ना बोलो कितना आ जाएगा, 001 से तुमने डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 2.001 आ गया नहीं आ गया, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे क्या डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो टाइप का हो रहा है, इसको हम लिख देते हैं कितना लिख देते हैं डीवाई अपॉन टी एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, बहुत मतलब अगर चेंज ही नहीं होगा तो वाई में चेंज नहीं होगा भैया, वाई में अगर चेंज चाहिए तो एक्स में चेंज करना पड़ेगा ना, तो डेल्टा एक्स को जीरो नहीं कर सकते, डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दो। कैसे लिखते हो? लिखते हो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखते हो, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी लिमिट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लिमिट बोलते हैं। और डेल्टा एक्स में जो चेंज है, डेल्टा एक्स में चेंज बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स में जो चेंज है बहुत ही छोटा, मतलब इनफाइनाइटली बहुत ही छोटा, मतलब क्या है, तो वो इनफाइनाइटली क्या, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है, अरे है कि नहीं है, हमारा क्या है बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है। अरे ये बात समझ में आ रही है, डेल्टा एक्स को अगर मैंने इक्वल टू जीरो कर दिया इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब तो ये हो गया ना, तुमने डेल्टा एक्स चेंज ही नहीं किया, क्यों? और तुम्हें अगर रेट ऑफ चेंज चाहिए तो तुम्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज करोगे तभी तो तुम्हें डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज दिखाई देगा, क्यों? यस सर। हाँ, इसलिए चेंज जरूरी है, लेकिन चेंज छोटे से छोटा हो, बहुत छोटा हो, इसलिए टेंडिंग टू जीरो। तो चेंज है एक्स में, जो चेंज है डेल्टा मतलब चेंज, जो एक्स में चेंज है बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, जितना छोटा तुम कर सकते हो, जितना छोटा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। हाँ तो चैट डिसेबल करिए, हरिराम सिंह बहुत गंदे गंदे मैसेज कर रहा है सर। यस सर। यस सर। पहले क्यों नहीं बताया सर? अभी अभी किया मेरे को सर, अभी जस्ट किया। सर आप लिंक का कोई प्रॉपर वो कर लीजिए सर, नहीं तो इस तरह सभी लोग आते रहेंगे फिर। ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। ओके क्या देखिए, चैट इनेबल तो तुम लोग को था नहीं, ये बाकी लोगों को चैट कैसे कर सकता है? चैट तो मैंने खाली होस्ट के लिए कर रखा था। नहीं सर, आज सबके लिए इनेबल था। हाँ सर, तो वही उज्जवल ने एक बार मैसेज किया, मैं सोचा ठीक है सर, लेकिन उज्जवल मैंने यार देखा नहीं यार। हो जाता है सर, कभी कभी जूम मीटिंग जब आप रिस्टार्ट करिए तो कभी कभी अपने आप वापस इनेबल हो जाती है। सर आप मीटिंग लॉक कर दिया कीजिए ना सर। यस सर, फिर 4:30 के बाद फिर किसी को लिया ही मत करिए 4:15 के बाद। ठीक है। ठीक है। यस सर। चलो ये बात समझ में आई क्या, कि जो एक्स में जो चेंज है वो बहुत छोटा चेंज है, एक्स में चेंज बहुत ही क्या है, बहुत ही छोटा चेंज होना चाहिए ताकि हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको बता पाए। डेरिवेटिव्स का बता रहा हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बता रहा हूं, ठीक है। डेल्टा एक्स टेंड जीरो मतलब चेंज इज वेरी स्मॉल, इनफिनिटी स्मॉल चेंज इन एक्स, इनफिनिटी स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है ना, इनफिनिटी स्मॉल चेंज इन एक्स, ये मतलब है। तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं इसको। अब ये देखो बहुत छोटा अपॉन बहुत छोटा, कुछ छोटा नहीं आ रहा, बड़ा आ रहा है, 2.01 बड़ी क्वांटिटी है ना। देखो वाई में चेंज क्या है, 0.002001 बहुत छोटा चेंज है ना वाई में, एक्स में चेंज बहुत छोटा ना 0.001, लेकिन बहुत छोटा कौन, बहुत छोटा नहीं है, बड़ा चेंज है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ से निकलना चाहिए कि बहुत छोटा कौन, बहुत छोटा, छोटा नहीं होता, क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट्स क्या बोलते हैं, डिवाइड बाय dx की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ जा रही है, 2.001 आ जा रही है भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा क्या आपका, ये हमारा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ क्या है, रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना। ठीक है क्या, ठीक है तो हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, ये सब बोल रहा था। हाँ ठीक है, तो भाई ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतने करते हैं, टाइम भी हो गया है, अगली क्लास में मजा आएगा। अगली क्लास में हम लोग जो है जब कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग अगली क्लास में ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, कुछ फंक्शंस के हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन कितना था वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कई सारे फंक्शन है उनका हमें डिफरेंशिएशन क्या आता है उन्हें याद होना चाहिए वो देखेंगे,
इससे जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि एडिशन में हाँ हाँ सर मुझको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन एक बार और सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बस ये है कि डिफरेंशिएशन क्या होता था, आपको डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में डिपेंडेंट होता है, वाई इज कॉल्ड एफ एक्स है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स चेंज होगा तो वाई को बदलना पड़ेगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डी वी मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि x के बदलने से y में क्या बदलाव आया है, x के बदलने से y में क्या बदलाव आया है, तो रेट क्या है कि x अगर इस रेट से बदलता है तो y किस रेट से बदलता है, वो रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है। जैसे हमने बोला था ना, गाड़ी की स्पीड हमने बताई थी कितनी है, गाड़ी का माइलेज क्या बताया था हमने, गाड़ी का माइलेज बताया था 60 किलोमीटर प्रति लीटर, यही था कि मतलब कि अगर जो है तेल कितना चलेगा, तेल अगर जो है हमारा क्या होता है 1 लीटर चलता है, 1 लीटर तो डिस्टेंस गाड़ी कितना ट्रेवल करती है आपकी, 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 60 किलोमीटर। ये हमारा क्या रेट ऑफ चेंज है कि नहीं है, कि तेल के चलने से गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, क्यों भाई। अरे हाँ की ना, ठीक है। इसी तरह से अब एक चीज और दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा सा और देख लो तुम लोग। जैसे मान लो कि गाड़ी जो है हमारी क्या हो रही है, गाड़ी हमारी जो है जा रही है, गाड़ी भाई साहब जा रहे हैं, जा रही हमारी जो है मान लो 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड है ना, मतलब ds upon dt है कि नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन है कि नहीं है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि अगर समय में बदलाव 1 सेकंड का होता है तो गाड़ी कितना ट्रेवल कर ले जाती है, 10 मीटर ट्रेवल कर ले जाती है, 10 मीटर ट्रेवल करती है गाड़ी, अगर ट्रेवल करती है तो टाइम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, टाइम अगर 1 सेकंड बीतेगा, टाइम में बदलाव 1 सेकंड का होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल में कितना बदलाव होगा, 10 मीटर का होगा। इसे तुम चाहे ds by dt लिखो, चाहे तुम इसे डेल्टा s by delta t लिखो, अभी मतलब ये समझो कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, छोटा बड़ा तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, बड़ा बड़ा चेंज अपॉन बड़ा चेंज होता है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, छोटा चेंज अपॉन छोटा चेंज होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। बस क्यों रुद्राक्ष, क्लियर है क्या रुद्राक्ष? यस सर। उज्ज्वल, मानसवी, सुब्रत? यस सर। यस सर, क्लियर है, क्लियर एकदम, ऑल क्लियर। चलिए तो हम लोग जो अभी अभी परेशान हो, अभी हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे ना कि सब क्लियर हो जाएगा एकदम। मैं हर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि देखो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, हम लोग वही रेशियो निकाल रहे हैं। स्पीड में हमारा क्या रेट ऑफ चेंज है, अरे जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बिजली का बिल आता है ना, पावर बिल, पावर बिल आता है, पावर बिल हमारा कैसे किसमें आता है, क्या मेजर करता है, एनर्जी कंजम्पशन मेजर करता है, एनर्जी कंजम्पशन मेजर करता है वाट में आता है, किसमें आता है, वाट में आता है। वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है भाई। किसी के यहाँ मीटर लगा 2 किलोवाट का लगा है, मेरे यहाँ जो है मैंने बोला 4 किलोवाट का लगा है, इसका मतलब मेरे यहाँ जो कंजम्पशन है बिजली को कितना है, 2 किलो जूल पर सेकंड है ना, और तुम्हारे यहाँ एनर्जी कंजम्पशन कितने का है, तुम्हारे यहाँ 4 किलो जूल पर सेकंड का है ना, पर सेकंड मेरे यहाँ कितनी हम लोग कितनी बिजली खा जाते हैं, 4 किलो जूल खा जाते हैं, मतलब ए खा जाता है, 2 किलो जूल खा जाता है, बी कितना खा जाता है, बी जो है 4 किलो जूल खा जाता है भाई, कोई दिक्कत, 4 किलो जूल, हाँ 4 किलो जूल खा जाता है। तो यहाँ भी देखो क्या है, मतलब फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेट ऑफ चेंज, कि समय के बदलने से हम कितना खा जा रहे हैं, 4 किलो जूल खा जा रहे हैं, जबकि ए जो है कितना खा रहा है, वो 2 किलो जूल ही खा रहा है, ये बिजली का बिल हो गया। और जैसे हम बोलते हैं पानी कनेक्शन हमारे घर में लगा है, पानी कनेक्शन घर में लगा है तो उसमें पहले क्या था, पहले जमाने में क्या था, पानी के मीटर लगा होता था, पानी मीटर लगा होता था, पापा से पूछने बताएंगे वो क्या था, वो डीवी अपॉन डीटी मेजर करता था कि भाई पानी किस रेट से आपके यहाँ आ रहा है, पता चला कि पानी का रेट आपके यहाँ आ रहा है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से, आपके यहाँ पानी आ रहा है भाई साहब, नहीं पानी कितना पर सेकंड जो है पानी, ये मान लो कोई मोटर लगी है, कोई आपकी क्या लगी, मोटर लगी है, तो ये मोटर भाई साहब बोलते हैं ना कि कितने उसकी मोटर है आपकी, तो बोलते हैं भाई साहब कि पानी मोटर पानी कितना फेंकेगी, तो बोलते पर सेकंड 10 मीटर क्यूब फेंकेगी, क्या नापे हो, पर सेकंड जो है कितना वॉल्यूम पानी फेंक रही है, नहीं तो टाइम से वॉल्यूम का क्या डिपेंडेंसी है, उसका रेट ऑफ चेंज पर सेकंड 10 मीटर क्यूब, पर सेकंड 10 मीटर क्यूब, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, ऐसे एकदम हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े फिजिक्स में, मतलब जहाँ पे एक क्वांटिटी के बदलने पे दूसरी क्वांटिटी में क्या बदलाव होता है और उनका जो रेशियो है, मतलब कि उसके एक यूनिट चेंज होने पे उस दूसरी क्वांटिटी के में क्या रेट चेंज होता है, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी क्या चेंज होता है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि बारिश इतनी हुई तो फसल कितनी हुई,
हजार मैट्रिक टन पर कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर रेनफॉल बोल सकते हैं हम बोलते हैं 500 मैट्रिक टन फॉर 20 सेंटीमीटर रेनफॉल रेट ऑफ चेंज ठीक है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं मैं आप लोगों को इसका नोट्स और वीडियो सेंड कर दूंगा और अभी डीपीपी नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी कुछ थ्योरी क्वेश्चंस वाली थ्योरी नहीं पढ़ी अभी हमने कल ही अभी इंट्रोडक्शन देखा है अगली क्लास में हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसकी डीपीपी फिर मैं आपको भेजूंगा ठीक है क्या ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही बाय बाय सर सी यू 6 बजे मैथ वाले सारी क्लास है 6 बजे मैथ वाले सारी क्लास है तो काइंडली सी टू इट Okay, bye. See you. Bye.